नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोविड-19 दूसरी लहर में 1 करोड़ भारतीयों की नौकरी गई, CMIE का आंकड़ा। हमारी दूसरी खबर दिल्ली से, जहां पर सरकार के दावों के विपरीत प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा राशन। और आखिर में पाकिस्तान सेना की आलोचना करने पर पत्रकार हामिद मीर को ऑफ एयर किया गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की वजह से करीब 1 करोड़ भारतीयों को नौकरी गंवानी पड़ी है और करीब 97% परिवारों की आयु में कमी आई है। बेरोजगारी दर जो अप्रैल में 8% थी, वह भी मई के अंत में बढ़कर 12% हो गई है। व्यास ने कहा कि नौकरियां जाने की सबसे बड़ी वजह कोविड की दूसरी लहर ही है। उन्होंने बताया कि नौकरी गंवाने के बाद दोबारा नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम जल्दी मिल सकता है, मगर संगठित क्षेत्र में नौकरी मिल पाने में करीब 1 साल तक का समय लग जाता है। बेरोजगारी दर मई 2020 में सबसे ज्यादा बढ़कर 23.5% पर चली गई थी। CMIE ने अप्रैल के महीने में 1.75 लाख परिवारों का भी सर्वे किया, जिसमें से सिर्फ 3% परिवारों ने कहा है कि उनकी आय में इजाफा हुआ है, जबकि 55% ने कहा कि उनकी आय में कमी आई है। अन्य 42% परिवारों ने बताया कि उनकी आय उतनी ही है जो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान थी। व्यास ने कहा कि अगर हम महंगाई को जोड़ ली तो इस हिसाब से करीब 97% परिवारों की आय में कमी आई है। देश 1 साल पहले भी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन और उसके बाद मजदूरों का दुखद रिवर्स माइग्रेशन को देख चुका था, लेकिन एक बार फिर जब इस महामारी ने अप्रैल के महीने में दोबारा आक्रामकता से हमला किया तो हमारी सरकारों की व्यवस्थाएं ध्वस्त होती दिखी, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली सहित देश की अन्य राज्य सरकारों ने अपने अंतिम हथियार के रूप में लॉकडाउन को जनता पर थोपा। लगभग 2 माह पूरी बंदी के बाद अब दिल्ली को आंशिक तौर पर खोला जा रहा है, लेकिन स्थितियां अभी सामान्य होने में कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। पिछले साल हमने देखा था कि कैसे मजदूर अपनी असुरक्षा के कारण अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे, क्योंकि सरकारों ने उन्हें अनाज छोड़ दिया था। इस बार उम्मीद थी कि सरकारें कुछ सीख लेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। आज भी कमाबेश में फिर वही नजारा है। शहरों में आए प्रवासी मजदूर मजबूर होकर वापस अपने गांव घरों की तरफ गए, और जो रह गए वो अपनी दुर्गति से परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार लॉकडाउन के शुरुआती 4 सप्ताह में 8 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़ गए। एक सवाल जो उठ रहा है वह यह है कि इस दौरान क्या कुछ बदला है, मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ हुआ, क्या सरकारें मजदूरों को भरोसा दिला सकी हैं कि वे उनके लिए भी हैं। इन सभी का जवाब आज के हालात देकर लगता है बिल्कुल नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 अप्रैल को दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के प्रवासी मजदूर चिंता ना करें, मैं हूं ना। लेकिन मजदूर लॉकडाउन के महीनों बाद भी केजरीवाल को ढूंढ रहा है और पूछ रहा है कहां हो, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन में मजदूरों की मदद की बात तो दूर, 1 महीने तक उन्हें राशन का भी आश्वासन तक नहीं दिया। मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर को कुछ ही दिनों पहले एक अन्य पत्रकार पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलने की वजह से ऑफ एयर कर दिया गया है। मीर ने अल जजीरा को बताया है कि उन्हें कहा गया है कि वह जियो न्यूज पर सोमवार शाम का शो कैपिटल टॉक होस्ट नहीं करेंगे। मीर ने कहा, मुझे जियो प्रशासन ने बताया कि मैं शो होस्ट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट पर मेरे बयानों के बाद से बहुत दबाव है, मुझे यह नहीं बताया गया कि दबाव किसकी तरफ से है। अल जजीरा के सूत्रों ने बताया कि जियो न्यूज पर मीर को हटाने के लिए दबाव बनाया गया है। दरअसल पिछले हफ्ते पाकिस्तान के एक अन्य पत्रकार असद अली तूर पर इस्लामाबाद के उनके घर में हमला कर दिया गया था। 3 अज्ञात आदमियों ने उन्हें पीटा था और उनके काम को लेकर चेतावनी दी थी। असद अली तूर बेबाक होकर देश की सरकार और सेना की आलोचना करते हैं। उन पर हुए हमले के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में शुक्रवार को हामिद मीर ने पाकिस्तान के पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों के पीछे जिम्मेदार लोगों का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी। उन्होंने कई बातों के जरिए पाकिस्तानी सेना का इन हमलों में हाथ होने का दावा किया था और चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी नाम लिया था।
मीर ने अपने भाषण में सेना की तरफ इशारा करते हुए कहा था, अगर आप हमारे घरों में घुसकर हमें मारेंगे तो हम बदले में आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे नहीं, मार नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टैंक है, बंदूकें हैं, मगर हम आपके घरों के अंदर के मसलों को जनता के सामने जरूर रख सकते हैं। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।